अस्सलाम वालेकुम, कैसा है सब? उम्मीद करते हैं हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जो रेमेडीज हम समर में इस्तेमाल करते हैं, अगर वही रेमेडीज हम सर्दियों में इस्तेमाल करें, करने से हार्मफुल और यूजलेस हो सकती हैं। सर्दियों में आए दिन ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, एक्नी और अदर स्किन प्रॉब्लम्स पैदा होते रहती है। इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए मैं ज़बरदस्त और नेचुरल इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों को पता भी होगा या नहीं भी होगा। तो फिक्र ना करें, आपको इस वीडियो में पूरा मालूमात हो जाएगा उस इंग्रेडिएंट के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको एक ज़बरदस्त स्पॉटलेस ग्लोइंग स्किन के लिए एक रेमेडी बनाकर बता दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं एक इंग्रेडिएंट के बारे में इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, जो कि है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, जो कि आप लोगों को पता भी होगा। ये आपको आसानी से ऑनलाइन पर भी अवेलेबल मिल जाएगा। मैंने तो इसे ऑनलाइन से परचेज़ किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं, या नहीं तो किसी जनरल स्टोर पर भी आपको इसका पाउडर मिल जाएगा। और लिकोराइज ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसे उर्दू में मुलटी पाउडर भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर लिकोराइज एक्सट्रैक्ट जो कि है ब्यूटी और वाइटनिंग क्रीम्स में पाया जाता है। स्पेशली ये लिकोराइज एक्सट्रैक्ट जो है स्किन वाइटनिंग में यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इसके साथ एक ज़बरदस्त रेमेडी बता दूंगी, जो कि आपके स्किन को स्पॉटलेस और ग्लोइंग बनाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन ज़रूर क्लिक कर देना। एक्शन को फेयर करना हो या स्किन के इवन टोन को इक्वल करना हो, या फिर वक्त से पहले किसी को रिंकल्स आ जाते हैं उसे रिमूव करना हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए मैं एक रेमेडी बता रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं रेमेडी के तरफ। तो चलिए बनाते हैं रेमेडी। रेमेडी के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून लिकोराइज एक्स्ट्रैक्ट, 1 टेबल स्पून लिकोराइज एक्स्ट्रैक्ट और 1 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर। ये रहा मेरा सैंडलवुड पाउडर, इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर। नेक्स्ट हम डालेंगे इसके अंदर कुकुम्बर जेल 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून। ये देख लीजिए इतनी सी इसकी क्वांटिटी है कुकुम्बर जेल। अगर आपके पास कुकुम्बर जेल नहीं है तो इसके बदले आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, या एलोवेरा जेल भी अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, एलोवेरा प्लांट जो होता है उसका भी जेल आप एक्सट्रैक्ट कर लेके यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी बंजारास का रोज़ वाटर इस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए। ये मिनिमम 1 टेबल स्पून हमें इसमें ऐड करना है, ऐड कर लेके इस मिक्सचर को मिक्स कर लेना है हमें। ये देख लीजिए 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर। अब हमें इनसे लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड पाउडर और ले लीजिए, हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से आपकी इसकी कंसिस्टेंसी है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ले सकते हैं। इसे अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको बता दूं कि आपको इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है और इसे मिनिमम 10 मिनट्स तक अपने फेस पर ही रखना है। फिर इसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा रोज़ वाटर अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ, आप इसे अपने हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हैंड्स पर भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। और साथ ही साथ ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ 100% यूज़फुल है, आपको स्पॉटलेस और ग्लोइंग स्किन भी देगी। जैसे कि लिकोराइज एक्सट्रैक्ट जो कि स्किन वाइटनिंग में यूज़ करते हैं, तो आपको 101% एक इवन टोन में आपके स्किन के एक लेवल का इवन टोन आपके इसमें चेंजेस आएगा ज़रूर। इस रेमेडी को आपको वीकली 2x यूज़ करना है और साथ ही साथ आपको 1 मंथ में आपको बहुत ही डिफरेंस दिखेगा। और आपको मैं बता दूं, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। और मैं आपको बता दूं, अगर लिकोराइज एक्सट्रैक्ट को रॉ मिल्क, टोमेटो, हनी के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं तो आपको जैसे कि सनटैन, एजनिंग, हाइपोपिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी।
आई होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आ गए तो ज़रूर इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना, और साथ ही साथ अपने प्यारों तक भी आपको शेयर कर देना है ताकि उन तक भी वीडियो पहुंचे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।